नमस्कार, सांझ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुनैना लैके हाजिर हाँ अज दिन टॉप 10 खबर। सतलुज ब्यास दरिया च छड़े पानी नाल जलंधर के शाहपुर लोइया के नाल नाल सुल्तानपुर लोधी के कई पिंड हड़ की चपेट च आ गए, जिसते चलदियां पिंडां दा दौरा करन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिला कपूरथला के हलका सुल्तानपुर लोधी विखे पहुंचे ते स्टेडियम तो बाद हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा करन दे लई रवाना होए, जिथे उन्होंने मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा कि पानी घट होण ते जल्द बन्ना की मुरम्मत की जाएगी और किसानों का बनता मुआवजा दिता जाएगा। फगवाड़ा के हुशियारपुर रोड विखे नगर निगम की घटिया कार्ज प्रणाली नूं लैके मुहल्ला वासियां ने धरना लगा के मेयर अरुण खोसला खिलाफ जंगे नारेबाजी की। लोगों ने दस्सिया कि कूड़े करके लोगों नूं मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। लोगों ने अपील की है कि जेकर अज ये कूड़े के डंप ना हटाया गया तो इसके खिलाफ तिक्का संघर्ष किया जाएगा। धरने को देखते हुए थाना सिटी SHO ने पुलिस पार्टी समेत पहुँच के मौके पर धरना शांत करवाया। उधर मेयर अरुण खोसला ने कहा है कि आज शाम तक कूड़ा चुकवा दिया जाएगा। हुशियारपुर के प्रभात चौंक में वख-वख रविदास समुदाय के लोगों वालों रोस प्रदर्शन किया गया। इस रोस प्रदर्शन का कारण श्री गुरु रविदास जी के मंदिर तोड़न के विरोध में रविदास भाईचारे के लोगों वालों 21 अगस्त को किए जा रहे शांतिपूर्ण रोस प्रदर्शन के खिलाफ सरकार वालों किया गया लाठीचार्ज है। प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठे होकर दिल्ली सरकार खिलाफ नारेबाजी की, दलित MP के घर का घिराव करने की चेतावनी दी। इस संबंध में उन्होंने हुशियारपुर के नायब तहसीलदार को मांग पत्र भी दिता। प्रशासन वालों मिले भरोसे तो बाद दलित भाईचारे वालों धरना समाप्त कर दिया गया। पंजाब च हड़ां नूं लैके हुण सियासत शुरू हो गई है। श्रोमणी अकाली दल वालों हड़ां लई BBMP अते कैप्टन सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जिसके चलदे श्रोमणी अकाली दल ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए BBMB अते कैप्टन खिलाफ जनहित पटीशन दर्ज करने का ऐलान किया है। साबका संसद मैंबर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने BBMB से पंजाब नूं डुबाउण का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि डैम तो पहला ही थोड़ा थोड़ा पानी छड़ना चाहिए था। हुण पानी छड्डन दे कारण पंजाब चाहे हड़ां नाल भारी तबाही हुई है। जलंधर दिन आउंदे गुरदेव नगर विच दो गुआंढियां वल्लों दुकानां नूं लै के एक दूजे दे घरां ते इट्टा पत्थर वरौण दा मामला सामने आया। दोवां गुआंढियां द्वारा एक दूजे खिलाफ पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई। थाना 2 दे ASI ने दस्सिया कि दोनों पक्षों वालों शिकायत दर्ज करवा दी गई है, जिसके आधार पर बनती कार्रवाई जल्द ही अमल में लियांदी जाएगी और जो भी दोषी पाया गया उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सतलुज दरिया में पाखड़ाबंद तो वध पानी आने नाल दरिया में कई थावां ते पाड़ पै गए सन, जिस कारण किसानों की फसलों का बहुत नुकसान होया। डेरियां विच पानी दाखिल होने नाल डेरियां विच रह रहे लोगों नूं भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया। इस संबंधी कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सुखसरकारिया ने मियोवाल भोलेवाल पिंड विच जाके बन्ना का जायजा लिया। इस मौके किसानों ने कहा है कि इन्हां बन्ना विच पाड़ पैण का कारण इतने गैर कानूनी तौर पर की गई रेते की माइनिंग है। जलंधर विखे निटू शटरां वाले की लड़की की आटो हादसे नाल हुई मौत तो बाद अते होर लोगों के भी आटो रिक्शे नाल एक्सीडेंट होने नूं मद्देनजर रखते हुए अज ट्रैफिक पुलिस वालों आटो रिक्शे वालों के कागजात की चैकिंग की गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP गुरमीत सिंह ने दसिया कि आटो रिक्शे वालों के कागज चैक कर कंडम आटोआं नूं बाउंड किया जा रहा है। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड से चोरों नूं चोरी करना उस समय महंगा पै गया जदों घर के मैंबर ने उन्होंने काबू कर बाहर ले जाके जम के मारकुट की। दसणयोग है कि लोगों ने उन्होंने इन्नी मारकुट की कि एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरे नूं पुलिस हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पिखीविंड के कस्बा अलगो कोठी विखे 3 प्रवासी मजदूरों की मीट खाण तो बाद भेद भरे हालातों च मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक के भरा ने दसिया कि उसका भरा कोमल राहुल और सुपन तिने ही कस्बा अलगो कोठी विखे 2 साल तो इकट्ठे ही एक कमरे में किराए पर रहते सन और POP का काम करते सन। काम तो वापस आके उक्त तिना व्यक्तियों ने मीट की सब्जी बनाई, जिस विच कोई जहरीली वस्तु पैण नाल उन्हां दी मौत हो गई। उसने दसिया कि मरण वाले च 2 दी तां मौके ते ही मौत हो गई, जबकि तीजे व्यक्ति दी हस्पताल ले जांदे समय रस्ते विच ही मौत हो गई। गुरदासपुर तो टीचर वालों विद्यार्थियों नाल छेड़खानी करन दा मामला सामने आया है। गुरदासपुर पुलिस थाना सिटी दे SHO कुलवंत सिंह ने दसिया है कि गुरदासपुर दे रहण वाले एक कॉलेज प्रोफेसर तरुण महाजन जो कि निजी ट्यूशन भी दिंदा सी वालों ट्यूशन ते आई एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी किए जाण ते लड़की दे परिवार वालों वालों शिकायत की गई सी, जिसके आधार पर टीचर नूं गिरफ्तार कर मानयोग अदालत में पेश किया गया सी, जिथे अदालत वालों उसनू जेल भेज दिया गया। सो ये सन अज दियां सांझ टीवी टॉप 10 न्यूज़। कल दोबारा हाजिर होवांगे टॉप 10 न्यूज़ लैके, उदों तक लई मैनू रूप नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।